जम्मू कश्मीर में 1 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद होंगे जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री और बीजेपी के निर्मल सिंह उप मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर की नई सरकार की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम होंगे, जबकि बीजेपी के निर्मल सिंह डिप्टी सीएम होंगे। सूत्रों के मुताबिक 1 मार्च को पीडीपी से 13 और बीजेपी से 12 मंत्री शपथ लेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मसौदा शपथ ग्रहण के बाद जारी होगा। मुझे बड़ा हाथ चाहिए, सबका विकास सबका साथ। प्राइम मिनिस्टर नोज द इश्यूज, आई नो द इश्यूज। स्वीयरिंग सेरेमनी के बाद हमने 3 बजे वहां प्रेस रखी है, उसका हम बता दें। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पहले तो धारा 370 और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून जैसे मुद्दे पर पीडीपी के खिलाफ बोलती थी, लेकिन अब सत्ता के खातिर उससे हाथ मिला रही है। दिशाओं में इनके विचार हैं और सत्ता के लिए वो शामिल हो रहे हैं। आर्टिकल 370 पर कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, आर्म फोर्स एक्ट पे समझौता करना ही पड़ेगा। वहीं बीजेपी का तर्क है कि जनादेश पीडीपी और बीजेपी को मिला है, इसलिए दोनों का मिलकर सरकार बनाना गलत नहीं है। ओथ टेकिंग सेरेमनी 1 तारीख को होगी, स्वेरिंग इन होगी। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक सहमति पर पहुंचे हैं, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी घोषणा उसी दिन होगी।